वहीं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से झारखंड विकास मोर्चा के प्रत्याशी आरिफ अहमद कुरैशी बनाए गए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शहर के हरमू इलाकों में डीएसपी के नेतृत्व में आरएएफ के साथ संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया गया। मतदाता जागरूकता के साथ निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त भय मुक्त चुनाव संपन्न कराने की तैयारी भी है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार स्वीप के तहत पीडब्ल्यूडी मतदाताओं को जागरूक करने हेतु ट्राई साइकिल रैली का आयोजन किया गया। हाथ में प्ले कार्ड लेकर नारे लगाते हुए मतदान करने की भी अपील की गई। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। 8 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पाकुड़ विधानसभा से प्रत्याशी बेनी प्रसाद गुप्ता होंगे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों में बैनर पोस्टर होर्डिंग्स लगाने को लेकर मारामारी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय से लेकर क्षेत्रीय दल होर्डिंग्स लगाने के लिए एडवांस बुकिंग भी करा रहे हैं। अच्छे सपोर्ट और बड़े होर्डिंग के लिए सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला सचिव सह महागामा विधानसभा क्षेत्र की महागठबंधन प्रत्याशी श्रीमती दीपिका पांडे सिंह खिरोदी गांव में जनसंपर्क करने पहुंची। देवगंज महाविद्यालय क्रिकेट टीम ने देवघर में हो रहे सेमीफाइनल में धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 212 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। बीएसके कॉलेज बरहरवा को 62 रनों पर ढेर किया।